तो आज मैं एक बात बोलूंगी कि जो बेटियां जो हरकतें कर रही हैं, हवा की बेटियां जो हरकतें कर रही हैं और जिन मासूम बच्चियों के साथ हो रहा है, तो उसके लिए आप लोग आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? जो लड़कियां 4 साल की 5 साल की उनके साथ जिनसे जैसी बहते को कचरा कुंडी से मिली, वो गटर से मिली, वो कहाँ से मिली, वो कहाँ से मिल रही है, तो उसके लिए उनके पाकिस्तान में कोई आवाज़ नहीं उठा रही। जो अपनी मर्जी से भाग जाती हैं उनके लिए धरने दिए जाते हैं, भागा जाता है उनके पीछे, रोड़ों पे आया जाता है। मैं किसी के खिलाफ बात नहीं कर रही हूँ, मैं सब बेटियाँ शांति होती हैं, मेरी बेटियाँ, पर एक बेटी जब अपने सब घरदारों के मुँह पे खड़े हो गए बोले मेरा हाथों कोई वास्ता नहीं है, तो उसके लिए इतना भाग दौड़ कर। एक बात बताइए, नौकोट का जब वाकया हुआ था, जब 113 साल की बच्ची और 16 साल की बच्ची नंद भावच को घर से उठाया गया बदमाशी के जोर पे, और तकरीबन 20 से 22 बंदों ने उनके साथ जिनसी ज्यादती कर लिया और उनको फिर मारते रहे, भगाते रहे खेतों के अंदर, उनके साथ तशद्दुद करते रहे, उस टाइम ये सिंध हुकूमत कहाँ थी? उस टाइम ये इदारे कहाँ थे? उस टाइम हमारी गवर्नमेंट किधर थी? यूनाइटेड वुमेन राइट काउंसिल पाकिस्तान वहाँ पहुँचा, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनकी FIR करवाई, उनको बन करवाया। अब बताइए, मेहरापुर गाँव के अंदर एक गरीब फैमिली है जिनकी बेटी टांग से मासूम है, दो लड़के घर में पूरे दिन दिहाड़े और गन पॉइंट पे उस मासूर बच्ची की इज्जत लूटी गई, उनकी वीडियो है मेरे पास, उनकी हमने FIR यूनाइटेड वुमेन राइट काउंसिल पाकिस्तान वालों ने कराई हमारे इदारे में, मगर अभी तक उनकी गिरफ्तारियां अमल में नहीं आई। क्यों सो रही है तो हुकूमत, क्यों सो रही है सिंध की हुकूमत? कब तक ये हवा की बेटियों से जुल्म होगा? कब तक ये मासूम बच्ची, आज हमारे घर में 4 साल की भांजी भतीजी जो छुपाते हैं, नहीं भाग रही ट्यूशन जाएगी, नहीं डरते हैं हम लोग, क्यों ये जुल्म हो रहा है? और क्यों तुम्हारे अंदर इतने शैतान आ रहे हैं कि तुम मासूम बच्चियों को भी नहीं देख रहे हैं? अच्छा, ये आप लोगों को नजर नहीं आ रहा कि बच्चियां कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आइस और हीरोइन के नशे कर रही हैं, बदकारियां करवाई जा रही हैं, उनसे फांसियां करवाई जा रही हैं, इस पर आवाज कोई क्यों नहीं उठाता है? मंशियात के खिलाफ आवाज क्यों नहीं कोई उठाता है? उनके लिए भी धरने दिए जाए, उनके लिए भी रैलियां निकाली जाए, उनके लिए भी आवाजें बुलंद की जाए, हक की आवाज के लिए क्यों नहीं आप लोग खड़े होते हैं? आप लोगों को तो खबर ही नहीं होती क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कितने इदारे हैं।